दोस्तों, हम बता रहे थे आप लोगों को केले का करी वाली सब्जी, और बहुत टेस्टी सब्जी। पहला वीडियो बना चुके हैं, बस थोड़ा सा बचा था कि ये गड़बड़ हो गया, बोलते वक्त बंद हो गया। एक्चुअली हम बोल रहे थे कि एकदम हम फिश करी जैसा बना के आप लोगों को सरसों की ग्रेवी में भी बनाएंगे। इसको देखिए, ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब लोग थोड़ा सा और है, ये जब तली छोड़ने लगे तो हमारा मसाला फ्राई हो जाएगा। मसाला अच्छा भुनने का एक टेक्निक होता है, तो इसे हम अच्छे से करेंगे। ये हो रहा है, फिश करी जैसे बात है, इसलिए मैं नॉनवेज बनाती नहीं हूँ और ना बनाऊंगी और ना ही किसी को प्रोत्साहित करूंगी। एक टेक्निक बता रही थी कि जैसे बनाया जाता है सरसों की ग्रेवी में, वो ये भी लगभग हो गया। देखिए एकदम तली छोड़ ही रहा है। इसमें हम लोग पानी डालेंगे, और केले केले को हम कैसे फ्राई किए हैं ये पहले वीडियो में आप लोगों को बता ही चुके हैं, तो इसे देखिएगा। ये देखिए एकदम तली छोड़ रहा है थोड़ा सा, और इसमें हम सब कुछ डाल चुके हैं, पानी डाल देंगे। केले का मैं कोरमा भी आप लोगों को सिखाऊंगी, पकौड़ा भी सिखाऊंगी, इसके बहुत सारे डिशेस सिखाऊंगी आप लोगों को। ये अच्छे से डाल के, जो केवल सरसों में हम लोग बनाते हैं ना, उसमें सरसों की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, बस वही टेक्निक मुझे डालना है आप लोगों के बीच, नहीं तो बाकी सब तो आप लोग मेरा वीडियो देख ही रहे हैं। तो 1.5 ग्लास इसमें हम पानी डाल देंगे खौलाने के लिए। 1/4 सारे मसाले तो डाल दिए, 1/4 गरम मसाला भी डाल देते हैं। गरम मसाला 1/4 या 1/5 डालना चाहिए, क्योंकि गरम मसाला बहुत हार्ड होता है, और थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ा भी देता है, बहुत महकता भी, और टेस्ट में अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो टेस्ट में आने लगता है, जो आपका पूरा ही सब्जी खराब कर देगा। इसलिए गरम मसाला बहुत सोच समझ के, जरा सा आप देखें इसमें 1/5 जितना थोड़ा डाले हैं उतना। इसमें एक चुटकी अमचूर डाल देंगे, और आप इसको रखना हो ना तो पतला, हल्का सा पतला भी कर सकते हैं ग्रेवी। हमें तुरंत डालना है इसे, क्योंकि ये जो हम डालेंगे ये थोड़ा बहुत सूखेगा तो है ही ना, तो उसके लिए कह रहे हैं, नहीं तो इतना ग्रेवी फर्स्ट क्लास है। तो आप देखिए इसको, ये लगभग खोल आ चुका है, एक मसाला अच्छे से फ्राई हो ही चुका है, ग्रेवी खोल ही रही है, और पानी भी इसमें का पक ही गया है जो हम पानी डाले थे। आपके पास धनिया पाउडर, आज धनिया पत्ता हो कटा हुआ तो उसे ऊपर स्प्रेड करके इसे सर्व कर कीजिएगा। मेरे पास इस समय धनिया पत्ता नहीं था, लेकिन मुझे बनाना था इसलिए हम वीडियो डाल दिए। तो ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे इसे, ये ऐसे, और ये देखिएगा खाइएगा बना के कैसा बना है, पराठे से, नमकीन पूड़ी से जो अजवाइन डाल के बनती है, चावल से, आप जिससे खाइए। देखिए इसका कलर भी देखिए कितना फंटास्टिक लग रहा है, ये देखने में भी कितना सुंदर है, और इसका टेस्ट भी अच्छा है। तो इसको बनाइए खाइए, इसे 1 से 2 उबाल आने पे ये उबल ही रहा है, हम इसको बंद कर देंगे। बस इसे 30 सेकेंड और 30 से 1 मिनट और उबाल आने पे इसे हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये टोटल हो चुका है। 30 सेकेंड भी नहीं, 5 सेकेंड लगा, देखिए ये गल जाएगा ना, तो इसको बंद कर देंगे। पहले से हम 1 मिनट उबाल लिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उबाल अच्छे से आ गई थी। तो ये इसे आप धनिया पत्ती से सजा के अपने मेहमानों को सर्व करें, बनाएं, कमेंट करें और बताएं ये कैसा बना था। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गैस बंद कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, बनाते बनाते बहुत गर्मी हो गई, और बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी है केले का करी में, और अपना कमेंट दीजिएगा, बना कर ही कमेंट दीजिएगा, ऐसे अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और बना के कमेंट दीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ डालती जाऊँ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और मिसेस जिंदुमा पैनियर किचन आप लोग 2017 से देख रहे हैं, और मैं देखी हूँ कि 36,000 से ज़्यादा व्यू हैं, तो 36,000 लोग को पता चल चुका है कि मेरा कुकिंग चैनल चल रहा है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।